खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। आपने भी पता है भाई डॉक्टर को भगवान का रूप माना जावे है, और जब भी कोई तकलीफ हो है शरीर में तो आप सबसे पहले भगवान का नाम ले हो और उसके बाद में डॉक्टर की याद करो हो। डॉक्टर के जाने के बाद में आप आश्वस्त हो जो हो कि उड़ाने के बाद में आपके साथ में इसी मतलब कोई घटना नहीं घटित होगी जिसकी आप मतलब सोच सको, क्योंकि पहले आप पीड़ित हो और उसके बाद में समाधान ढूंढने के लिए आप जाओ। लेकिन इस वीडियो में आप ऐसा शख्स का बारे में बात करांगे जिसके साथ में बहुत गलत हुआ है और उल्टा हो उसका है, उसे बहुत सारे लोग हों जिसके साथ में स्त्रियों की घटना घटित हुई है। बात करांगे आप हिसार के सपरा हॉस्पिटल की, जिसमें एक मामला सामने आया है जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मैं आपको साथ साथ में दिखाता हुआ चलूंगा, जो मेरी साइड में है आपने सारी की सारी फुटेज दिखने भी लग रही होंगी कि किस प्रकार एक बुजुर्ग है जो लेटे हुआ है और उसका जो कंपाउंडर है वो आकर ने कोणी मारा है और घसीटते हुए भी नजर आवेगी। आपने इसमें आगे चलोगे तो आपने बहुत सारी चीजें हैं जो साथ साथ में आपने वीडियो में दिखेंगी। यू कौन शख्स है जिसके साथ में स्त्रियों की घटना घटित हुई है वो सारी सारी बात आपने बतावांगे। घटना घटी है जो कैथल जिला के कलायतल कमाने वाला क्लस्टर गांव, और जो पीड़ित है जिसके साथ में यह घटना घटित हुई है उसका नाम किरसन है, और लीवर ती लेकन है, लीवर की समस्या ने लेकन उड़ गया था, लीवर का ऑपरेशन बाबत गया था, और जब ये चीजें हो रही थी इलाज चल रहा था तो हाथ में सुई ती लेकन है कोई इश्यू हो गया था, जिसमें डॉक्टर तक गया था कि भाई मेरी सुई या तो निकाल दो या दूसरी बाजू में लगा दो या फिर कोई और तरीका हो तो आप उसकी आजमाश को हो। लेकिन इतना कहने के बावजूद आप देखो उसके साथ में किस तरह की बात हो रही है। इसमें जो FIR करवाई गई है वो 5 लोगों के खिलाफ करवाई गई है, और हमारे पास में बहुत सारे फोन आने लग रहे हैं कि हमारे साथ में भी स्त्रियों की घटना हुई है, हमारे साथ में भी स्त्रियां, लेकिन ये मामला उजागर होने के बाद में यू न्यू सोच लो हाईलाइट हो गया है। अब जो मालिक है, मालिक कहा है कि मैंने सस्पेंड कर दी है। सस्पेंड करना किसी चीज का सलूशन नहीं है, दोषी को सजा मिलना ही उसका समाधान है। और 5 लोगों में जिसमें एक गेट कीपर भी है, कंपाउंडर भी है, और जो लेडीज कंपाउंडर है वह भी शामिल है। और आप देखोगे कि भाई इसमें कितना बड़ा स्कैम होगा, किसी को वहां पर लेकर जाया जा हुआ है तो इलाज के लिए, लेकिन उसके साथ में उड़ा जाती हुआ है, उसको ट्रीटमेंट दिया जा हुआ है, गलत ट्रीटमेंट दिया जा हुआ है, या फिर इलाज लंबा चलाया जा हुआ है, उसको ठीक करने की बजाय लंबा बीमार चलाया जा हुआ है, और बहुत ही नामी हॉस्पिटल है वो, उसका ऊपर स्त्रियों का इल्जाम अपने आप में ही एक बड़ी बात है, क्योंकि महंगा हॉस्पिटल है, काफ़ी मैंने लोग उसकी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सपरे वाला जो हॉस्पिटल है वो माना जावे है कि भाई इसमें जाने के बाद में आदमी ठीक हो जाए है, लेकिन जिस तरह के मामले यहाँ लग रहे हैं यूँ न्यू सोच लो एक प्रकार का धंधा बन गया है, जिसमें मरीजों के साथ में स्त्रियों की बेरहमी के साथ में मैंने बर्ताव कराया जावे है, और उनके साथ में स्त्रियों की घटना अपन देखने मिला है। ये जो CCTV फुटेज हैं, अगर ये ना होती, ये सामने ना आती, तो मेरे हिसाब से इस मामला को उजागर करना बड़ा मुश्किल था, और अगर कोई इसका बारे में बोलता तो उसका ऊपर मान आने का केस भी हो सका था। लेकिन ये CCTV फुटेज मार्केट में आने के बाद में ये सारा का सारा मामला की जो तस्वीर है वो क्लियर हो गई है। अब बहुत सारे जो मरीज हैं, बहुत सारे जो काम करने वाले हैं, वो भी इस बात ने मानने की खातर तैयार हैं कि हमारे साथ में या हमारी यहाँ खाक गए इस तरह की घटना बहुत सारी हुई हैं, और आड़े मरीजों के साथ में इस तरह का बुरा बर्ताव कराया जा रहा है। इस तरह के हॉस्पिटल का ऊपर किस तरह का मामला दर्ज होना चाहिए, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपके साथ में या आपके किसी रिलेटिव के साथ में इस हॉस्पिटल में या किसी और हॉस्पिटल में इस तरह का बर्ताव होया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। अगर कोई आप जानकारी देना चाहो हो या फिर इस बारे में मेरे साथ में कोई चर्चा करना चाहो हो तो स्क्रीन को ऊपर नंबर दे रखा है, उसका ऊपर मिलाकर ना आप मेरा बात कर सको और किसी भी रूप में मेरे साथ में चर्चा आप कर सको हो। वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो ताकि लोग अवेयर हो सकें कि इस तरह के हॉस्पिटल में जानता आपकी जिंदगी ने नुकसान है, फायदा नहीं है। मिला है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।